आजकल ज्यादा से ज्यादा घरों के अंदर एल्यूमिनियम विंडो का इस्तेमाल किया जाने लगा है और करे भी क्यों ना अगर हम लकड़ी की विंडो या फिर यूपीवीसी विंडो से कंपेयर करते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जिस तरह से लकड़ी की विंडो में दिमक लगने जैसी समस्या निर्माण होती है और उसका कॉस्ट भी अच्छा खासा होता है और वहीं पर अगर हम यूपीवीसी विंडो की बात करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है पर इसका भी कॉस्ट ज्यादा होता है तो इसीलिए कम रेट में ज्यादा एडवांटेज के साथ आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो चूंकि है एल्यूमिनियम विंडो अब ये विंडो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन तब होता है जब आप सही तरीके से एल्युमिनियम विंडो का चुनाव करते हो अब शुरुआती वक्त में हमें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है और हम डायरेक्टली एल्युमिनियम विंडो को लगवा लेते हैं इसकी वजह से आगे चल के कुछ दिक्कतें हो सकती है तो वीडियो में बताए हुए पॉइंट के तरफ जरूर ध्यान दीजिए जिससे की आगे चल के आपको कोई भी तकलीफ न हो और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एल्यूमिनियम साइडिंग विंडो होती है वो सिर्फ आधी खुलती है जिस तरह से लकड़ी की विंडो के शटर बाहर के तरफ पूरी तरह से खुल जाते हैं वैसा एल्यूमिनियम विंडो के साथ नहीं होता है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी खिड़की का साइज रखना चाहिए देखिये दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है एल्यूमिनियम विंडो के ट्रैक के रिलेटेड पैसे बचाने के चक्कर में लोग जो है दो ट्रैक वाली एल्यूमिनियम विंडो लगाते हैं अब ये जो दो ट्रैक वाली एलुमिनियम विंडो होती है वहां पर सिर्फ दो पैनल लगाए जाते हैं जो कि ग्लास के होते हैं जब भी आप एल्यूमिनियम विंडो बनाने वाले हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपको तीन ट्रैक वाली एल्यूमिनियम विंडो लगानी है जहां पर आपके तीन पैनल आएंगे दो पैनल होंगे आपके ग्लास के और तीसरा पैनल जो की होगा आपका मस्किटो नेट का क्यूँकी जब भी हम एल्यूमिनियम विंडो लगाते हैं जब हम एल्यूमिनियम विंडो को पूरी तरह से खोलते हैं तो मस्किटो नेट होने की वजह से आपको मच्छरों की दिक्कत नहीं होगी और जब भी आप इस मस्किटो नेट वाले पैनल को लगाने वाले हैं, तो उसे आपको दोनों पैनल के सेंटर में लगा लेना है और ये जो मस्किटो नेट होती है इसमें भी दो टाइप आते हैं एक होती है एस एस की मस्किटो नेट और दूसरी होती है एल्यूमिनियम की मस्किटो नेट तो इसीलिए टू ट्रैक एल्यूमिनियम विंडो के बजाय आपको जो है थ्री ट्रैक एल्यूमिनियम विंडो की तरफ जरूर जाना चाहिए अब बात करते हैं कि कौन से टाइप की अल्यूमिनियम विंडो आपको लगवानी चाहिए खास करके दो टाइप की एल्यूमिनियम विंडो का इस्तेमाल किया जाता है एक होती है एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो और दूसरी होती है पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो इनमें से जो पाउडर कोटेड एल्युम विंडो है उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है वहीं पर जो एनोडाइज एल्युमिनियम विंडो है उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है अब इस पहले वीडियो में जो आप सफेद कलर की एल्यूमिनियम विंडो देख रहे हो ये पाउडर कोटेड एल्युमिनियम विंडो है और इस वीडियो में आप जो गोल्डन ब्राउन कलर की स्लाइडिंग विंडो देख रहे हो ये एनोडाइज एलुमिनियम विंडो है मेरा रेकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप जो है एनोडाइज एलुमिनियम विंडो के तरफ जाए क्योंकि अगर हम पाउडर कोटेड से इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसके एडवांटेज थोड़े से ज्यादा होते हैं खास करके इसका जो कलर है वो जल्दी फेड नहीं होता है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जब आपका कारागिर एल्यूमिनियम विंडो को फिक्स कर देगा तो आपको उसे ये जरूर कहना है कि एल्यूमिनियम विंडो के साइड में आपको इस तरह से सिलिकॉन जरूर भरना है खिड़की के साइड में ये जो गैप होता है इसे सिलिकॉन से भरने का फायदा ये होता है कि इस गैप में से जो बाहरी हवा है या फिर धूल है या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है वो आपके घर के अंदर नहीं आ पाते अब अगली चीज जो की आपको आपके एल्यूमिनियम विंडो में करनी है जैसा की आप इस ट्रैक के बॉटम साइड को देख सकते हो यहाँ पर होल किया गया है इस होल का

पैटर्न होते हैं इस एल्यूमिनियम विंडो के ग्लास को सिलेक्ट करते समय आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आजकल लोग जो है गॉगल ग्लास को अपने एल्यूमिनियम विंडो स्लाइडिंग को लगवाना पसंद करते हैं अब इस गॉगल ग्लास का नुकसान यह होता है कि दिन में अंदर की चीजें दिखाई नहीं देती है पर जैसे ही रात हो जाती है अंदर रोशनी होती है तो बाहर से अंदर की पूरी चीजें जो है वो दिखाई देती है तो ये चीज आपके प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हिसाब से सही नहीं होती है इसी वजह से जब भी आप एल्यूमिनियम विंडो के लिए ग्लास चुनने वाले हैं ऐसे समय में आपको इस तरह के ब्लर डिजाइन वाले ग्लास को चुनना चाहिए जिससे की बाहर से अंदर की चीजें दिखाई न दे और जब भी आप एल्यूमिनियम विंडो के ग्लास को फाइनल करने वाले है तो खास करके दो टाइप होते हैं पहला होता है व्हाइट ग्लास और दूसरा होता है ब्लैक ग्लास तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा की आपको जो है सफेद कांच के तरफ जाना चाहिए क्योंकि जो काले कलर का कांच होता है उसमें आपके घर के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं आ पाती है और जो सफेद कांच होता है वहां पर ऐसी कोई भी समस्या निर्माण नहीं होती है जब भी हम विंडो की ग्लास के बारे में बात करते हैं तो हमें चार एमएम या फिर पांच एमएम से कम थिकनेस वाली ग्लास को नहीं लगवाना है तो अगर आप थ्री ट्रैक एल्यूमिनियम विंडो लगाने वाले है तो आपको कम से कम कितनी जगह मिलनी चाहिए आपके दीवार के ऊपर होता यही की चार इंची वॉल के ऊपर बहुत ही कम जगह होती है वहां पर आपकी लोहे की ग्रिल भी आती है तो ऐसे समय में आपके पास जगह कम होती है तो अगर आप तीन ट्रैक वाली एल्यूमिनियम विंडो लगवाने वाले हैं तो आपके पास कम से कम साढ़े तीन इंच तक जगह होनी चाहिए अगर आपके दीवार का साइज कम है ऐसे समय में वहाँ पर जब ग्रेनाइट फ्रेम हम लगाते हैं तो हमें विंडो लगाने के लिए जगह मिल पाती है जैसा की आप अगले वीडियो में देख सकते हो अब जब आप लॉक लगवाने वाले हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा की बहुत ज्यादा कॉस्टिंग वाले आप जो है लॉक लगवाए पर जो कोई भी आप लॉक लगवाने वाले हो तो बहुत ही ज्यादा जो चीप टाइप के लॉक्स होते हैं उनको मत लगवाइए और अगर हम बात करते हैं आपके स्लाइडिंग विंडो की बेरिंग की तो तो इसके तरफ खास करके बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता क्योंकि आपके दुकानदार डायरेक्टली जो है आपको विंडोज लगवा के देते देते हैं तो इस वजह से आप की तरफ खास करके ध्यान नहीं देते। और बेरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके स्लाइडिंग विंडो विंडो में क्योंकि जब भी आपकी फंक्शन करती है तो ऐसे वक्त में बेरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है इस ऑपरेशन में जब भी आप बेरिंग के बारे में सोचते हैं तो ऐसे वक्त में आपको बॉल बेरिंग वाली जो बेरिंग्स है उनका इस्तेमाल करना चाहिए और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें भी आपको चीप क्वालिटी की जो बेरिंग है उनका इस्तेमाल नहीं करना है बेरिंग में वैसे तो भी PVC या फिर नाइलॉन टेफलॉन ओटेड बेरिंग्स होती है अब इनमें से नाइलॉन टेफ्लॉन बेरिंग जो है उनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है अब यहां पर बेरिंग का इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है दोस्तों अगर आपकी खराब हो जाती है तो ऐसे वक्त में वो जो है सेक्शन के ऊपर घिसती रहती है जिस वजह से आपका सेक्शन भी खराब हो जाता है अब देखिए शुरुआत में अगर आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए कम कीमत वाली बेरिंग लगवाते हैं उसके बाद में आपको वापस से जब मेंटेनेंस करना पड़ता है ऐसे वक्त में आपको और एक बेरिंग लगवानी पड़ती है यानी कि आपको दो बेरिंग का खर्च आ जाता है और तो और आपको लेबर कॉस्टिंग अलग से लगती है तो इन सभी झंझट से अगर आपको बचना है तो शुरुआत में ही अगर आप अच्छी क्वालिटी की बेरिंग लगवाते हैं तो ऐसे वक्त में आपको बार बार जो है मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती पॉइंट के तरफ अगर हम आते हैं जो कि आ जाता है सेक्शन के बारे में अब सेक्शन जब भी हम मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो जनरली दो टाइप होते हैं एक होता है ब्रांडेड मटेरियल और दूसरा होता है लोकल मटेरियल अब ब्रांडेड ब्रांडेड मटेरियल मटेरियल यानी कि कि जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो किया जाता है 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 जो आ को को गाल को, सुपर फाइन, ऐसी कंपनी भी में आती है। और अगर हम बात करते हैं लोकल मटेरियल की तो लोकल मटेरियल जो आपके नियर बाय कंपनीज होती है उन्हें हम लोकल मटेल कहते हैं अब ब्रांडेड मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रांडेड मटेर की फिनिशिंग अच्छी होती है क्वालिटी अच्छी होती है ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है और तो और जब कोटिंग करने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखती है ये सभी चीजें अच्छी होने की वजह से ब्रांडेड को खास करके रेकमेंड किया जाता है थोड़े पैसे आपको ज्यादा लगते हैं पर ब्रांडेड मटेरियल के अपने एडवांटेज होते हैं जिस वजह से लोग जो है इसे प्रेफर करते हैं और खास करके अगर आपकी विंडो बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि वहां पर आपका स्पैन बड़ा होता है तो इस वजह से आपको वहां पर ब्रांडेड मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए अब आप ये पूछेंगे की ब्रांडेड मटेरियल और लोकल मटेरियल इन दोनों में डिफरेंस कैसे पहचानते है तो सबसे पहली चीज कोटिंग होने से पहले ब्रांड की मोहर जो है वो सेक्शन पे अवेलेबल होती है कोटिंग होने के बाद बाता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है की कौन सा मटेरियल जो है वो ब्रांडेड है और कौन सा नॉन ब्रांडेड है और कौन सा लोकल है परंतु अगर हम बात करते हैं कि ब्रांडेड मटेरियल का हर एक सेक्शन जो होता है उसका वेट जो है एक समान होता है वहीं पर अगर हम बात करते हैं कोटिंग करने के बाद आपको लोकल मटेरियल में थोड़े से डिफेक्ट दिखाई दे सकते हैं वैसे आपको ब्रांडेड मटेरियल में नहीं दिखाई देते तो ये एक फर्क इसमें आ जाता है अब यहाँ पर कुछ लोग इस तरह की धोखाधड़ी करते हैं वो जो है आपके पास से ब्रांडेड मटेरियल के पैसे ले लेते हैं और आपको जो है लोकल मटेरियल चिपका देते हैं तो इस चीज के तरफ आपको खास करके ध्यान देना है अगर आप ब्रांडेड मटेरियल के पैसे देते हो तो ब्रांडेड मटेरियल ही परचेस कीजिए तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है